नमस्कार, स्वागत है आपका किस्मत की बात संदीप कोचर के साथ। मैं हूँ रिया और मेरे साथ है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर जी। नमस्ते संदीप जी। नमस्ते रिया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? वेरी गुड। संदीप जी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को थैंक यू कहना चाहेंगे, धन्यवाद आप सबका कि आपने हमें अपने परिवार का हिस्सा समझा, आपने अपनी समस्या हमारे साथ शेयर करके एक अपनेपन का एहसास दिलाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्या बात है? क्यों? बिल्कुल, देखिए आई थिंक इट इज ये हमारा जो है ये फैमिली शो है एंड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर हम आए और आपको रोज बातें बता के चले जाएं, आपको कुछ समझ में आया नहीं आया और आपकी जिंदगी में क्या समस्या है वो भी नहीं पता। मैं कह रहा हूँ कि आप मैरिड लाइफ का ध्यान रखिए और पता चला आपकी शादी नहीं हुई। हमेशा हरीश सोच रहा है कि हरीश की शादी नहीं हुई और मैं कह रहा हूँ कि हरीश अपनी वाइफ का ध्यान रखना। तो जब तक आपकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स हमारे साथ नहीं पहुंचेंगी तब तक वो पर्टिकुलर उसका आंसर या उसका सोल्यूशन या उसका हम कहें कि उसका राइट रास्ता या राइट डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। तो आई थिंक थैंक यू सो मच, जैसे रिया ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बना कर रखिए और हमारी जिम्मेदारी है कि आपकी जिंदगी में जो भी किसी भी तरह की जो उलझन है या जो रास्ता आपको नहीं मिल रहा है वो रास्ता दिखाने की आपको कोशिश करते रहें, मैं और रिया आपके साथ हर रोज। चलिए संदीप जी, आज हम ऐसे विषय पर बात करते हैं, आई थिंक आज हमें कुंभ राशि वालों के बारे में बात करना है, उनकी नेचर क्या है, किस तरह है, किस तरह के लोग हैं, बताइए तो जरा। देखिए कुंभ राशि, मैंने आपको एक बार याद है मैंने कहा था कि मैंने हर राशि के ऊपर तकरीबन एक शेर लिखा हुआ है, तो इनके ऊपर भी आपने कुछ लिखा होगा? जी बिल्कुल, कोशिश की थी मैंने कि चाहते तो थे कि तुझे ना चाहें, चाहते तो थे कि तुझे ना चाहें पर तेरी चाहत ने चाहने पर मजबूर किया। यानी वो कहते तो हैं कि यस आई डोंट वांट एनी गेन्स इन लाइफ बट दे आर द वन हु आर ऑलवेज आफ्टर गेन्स। उसके पीछे एक रीजन और भी है, अगर हम कुंभ राशि का अगर आप देखें उसका सिंबल भी घड़ा है और हमेशा मैं कहता हूं ये वो घड़ा है जो कभी नहीं भरता। और इसका एक रीजन और भी है क्योंकि कुंभ राशि हमारे 11th हाउस को रूल करती है, द हाउस ऑफ गेन्स। आगे बढ़ते हैं हमारी पहली राशि की तरफ जो है मेष राशि, और जानते हैं कि आज उनका दिन कैसे जाने वाला है। बिल्कुल, देखिए मेष राशि की शुरुआत सबसे पहले हो रही है पॉजिटिविटी के साथ, ये बहुत अच्छी बात है। कि अगर कहते हैं कि अगर आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होगा, बिल्कुल सी बात। ये देखिए अंजाम इन्होंने दिया है पूरी बात को और ये सबसे अच्छी बात है। तो आई थिंक इट इज अ ग्रेट बिगनिंग इन योर ऑफ योर डे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दिस इज अ टाइम व्हेन देयर विल बी लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स कमिंग योर वे। यानी आप हो सकता है कि फिराक, किसी कुछ नया करने की फिराक में हो, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट विच इज अगेन ए गुड थिंग टू हैव। तीसरी चीज, दुविधा में दोनों गए कौन, एक मुहावरा है रिया, दुविधा में दोनों गए ना माया मिली ना मोह मिला ना माया मिली। नहीं, इनको अभी याद नहीं आया और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, दुविधा में इंसान इसके दोनों चीजें हाथ से निकल जाती हैं, ना माया मिली ना राम। तो व्हाट आई एम सेइंग इज द बैलेंस अगेन, माया इज अगेन द डिजायर जो हम कुंभ राशि की बात कर रहे थे और राम मीन्स योर स्पिरिचुअलिटी, इसीलिए कहा गया इसको बैलेंस बनाइए बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपको अभी बॉदर कर रहा है, अगर इस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे तो जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉरस। वृषभ राशि के लिए आज के दिन की शुरुआत, सीरियसली यू शुड वर्क ऑन योर हेल्थ, ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज क्या है कि आप खुद ही दीवाना है, चले जा रहे हैं ऐसे ही, कहां जा रहे हैं पता नहीं, तो अब क्या बताऊं किधर खो गया हूं मैं, जिधर चला कारवां उधर का हो गया हूं मैं। तो वेन यू आर गोइंग लाइक दिस देन यू आर निगलेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, तो थोड़ा सा अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो इस समय मैं आपको जो सबसे पहला टिप है आज का वो है हेल्थ। तो अपने वर्कआउट रिजीम के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ईटिंग आउट ईटिंग डिसऑर्डर्स पे ध्यान दीजिए कि क्या आपको पसंद है और क्या, क्योंकि दो नंबर की राशि है, दो नंबर हमारा फेस को रूल करता है, माउथ को रूल करता है। तो एनीथिंग विच इज स्पाइसी, एनीथिंग विच इज डिफरेंट दे विल ट्राई टू टेस्ट इट और टेस्ट करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें वेस्ट कर जाते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ख्याल रखना है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कोशिश करने का, ये वक्त आ गया है इनिशिएटिव लेने का। और यहां पे मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जितनी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपका एजुकेशन है, इस सब को आप जोड़कर इंप्लीमेंट कर लीजिए। दिस इज द राइट टाइम टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स द वे यू वांट। हमारी अगली राशि है मिथुन राशि, जेमिनी। बिल्कुल, जेमिनी के लिए आज का दिन मिला जुला है और उसमें मिला क्या है कि जो आपको मिल गया उसको आपने तवज्जो नहीं दी बिकॉज व्हेन अभी तक आप परेशान थे, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, और शादी होते ही नाउ यू आर नॉट गिविंग टाइम
तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स दोज एलिमेंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ. तो हारमनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम एट होम इज वेरी इंपॉर्टेंट. और शनि साथ में घर में है और अभी दो साल तक रहेगा और मैं आपको याद दिलाता रहूंगा कि भाई थोड़ा सा वक्त आप घर पर जरूर दीजिए. दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है, कोई आपका इंक्रीमेंट हो सकता है. अगर आपकी कोई लगता है कि आपका बहुत वक्त हो गया है, आपकी प्रमोशन होनी चाहिए, देन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आने वाले 8-9 महीने के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बेटरमेंट होगा जिसमें आपकी जो इच्छाएं अभी तक दबी हुई थी वो जरूर आपको मिल जाएंगी. अगली राशि है कैंसेरियन. कैंसर के लिए आज का दिन थोड़ा सा आप नेगेटिव दौर में चल रहे हैं और वो दौर क्या है देर इज नो रीजन एक्चुअली. तो समटाइम वजह या बेवजह आदत हो गई है यू नो बेवजह परेशान होने की और वो वजह क्या है उसकी उसका भी मुझे पता नहीं. वो मेरे ख्याल से चंद्रमा उनके पर भारी है. चंद्रमा बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर ये 1000 किलो का राहु आ चुका. यू आर राइट एक्चुअली बिल्कुल एकदम सही का. लेकिन यहाँ पे राहु जो है वो छाया है और ऐसा, तो राहु की वजह से अभी परेशान है. हाँ ऐसा लगता है ऐसा इल्यूजन ना जी. हाँ इल्यूजन इज द राइट वर्ड. तो ऐसा लगता है ऐसा है नहीं. तो इसका मतलब यू नीड टू इग्नोर लॉट ऑफ थिंग्स. छोटी छोटी बातें आपको बॉदर कर रही है कि वो ऐसा सोच रहा है उसने जरूर ऐसा किया होगा. तो ये सब आपके इमेजिनेशन है जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं. गेट रिड ऑफ इट. तीसरी बात मैं आपसे कहता हूँ कि जो लोग जॉब में हैं उनको कोई ना कोई बेहतर जिम्मेदारी मिलने वाली है. तो जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उसको आप पकड़ लीजिए बिकॉज यही रिस्पॉन्सिबिलिटी विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ. अपने गट फील पर भरोसा रखिए, इंट्यूशन पर वर्क करिए, थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे योर इंट्यूशन विल बिकम 10/10. और मैं आपको बता दूं इंट्यूशन जिसका भी साथ देता है वो उसे कभी किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज एनी थॉट कमिंग योर वे विज ऑलवेज बी राइट. अगली राशि है सिंह राशि. लियो. सिंह राशि के लिए यात्रा यानी ट्रैवलिंग इज ऑन द कार्ड्स एज दैट्स द वे दे से. और कार्ड से मुझे याद आया कि यहाँ पे कार्ड बंटवा लीजिए, आप अपनी बनवा लीजिए, बेसिकली प्रिंटिंग की ऑर्डर कर दीजिए, शादी की तैयारी करिए क्योंकि शादी का वक्त शुरू हो चुका है. और सिंह राशि की शादी करवा के रहूंगा ऐसा मुझे लग रहा है बिकॉज एवरी ऑल्टरनेट डे आई एम यू नो जस्ट रिमाइंडिंग देम कि भाई वक्त हो गया है शादी कर लो. और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जो आप पूरा करना चाहते हैं तो उसका भी वक्त आ गया है. देर आर लॉट ऑफ प्लैनेट, 5 planets इन 5th house गिविंग लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, लॉट ऑफ अथॉरिटी एंड इवन पीपल विल प्रेज यू फॉर वट एवर यू हैव डन. तो ये बहुत अच्छी बात है. तो पिछले जितने भी साल में जो भी आपने किया है उसका जो भी क्रेडिट आपको नहीं मिला था ऐसा लग रहा था वो सब अब आपको मिलने वाला है. अगली राशि है कन्या राशि. वर्गो. वर्गोस के लिए आज का दिन मुझे लगता है ईटिंग आउट की तैयारी करेंगे आप. यू नो मल्टीपल कुजीन दैट्स द वे दे आर. तो आई थिंक दिस इज अ टाइम यू शुड ऑल्सो ट्राई टू एक्सपेरिमेंट. मुझे लगता है कि ऐसे हस्बैंड यू नो अगर आप मुझसे पूछें कि मैं खाना कैसे बनाता हूं और मुझे क्या क्या बनाना आता है तो आप पेन और पेपर लेके बैठ जाएंगी. हाँ. और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि उसमें आप एक भी बात नहीं लिख पाएंगी क्योंकि मुझे कुछ बनाना आता ही नहीं और मैं बातों में भी कुछ नहीं बना पाता. तो दैट इज समथिंग मुझे लगता है आपको सीखनी चाहिए. तो सम टाइम फॉर ए चेंज यू नो स्टार्ट कुकिंग. यू नो मुझे चाय बनानी आती है बस. दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूं कि यहां पे प्रॉपर्टी लेने का वक्त चल रहा है. देयर कुड बी सम चेंज कमिंग योर वे. जी. अगली राशि है तुला राशि. दैट्स लिब्रन. लिब्रन्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे वक्त बहुत खुशगवार है, मौसम बहुत अच्छा है, जो आप चाह रहे हैं वही होता चला जा रहा है. ऐसा बहुत कम लोगों की जिंदगी में होता है. आई थिंक यू आर लकी फॉर दैट. और इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए बृहस्पति के उस ट्रांजिट को जो 12 साल के बाद आपकी राशि के ऊपर आया है. और अभी भी वक्त है, अगर आपने शादी करनी है तो कर लीजिए. फिर ये ना कहना कि मैंने पुकारा नहीं, तो पुकारिए, आवाज लगाइए, यू नो अपनी बातों को एक्सप्रेस करिए, इजहार करिए, तभी करार होगा और तभी आपकी बात जो है आगे चलेगी. और फिर आप वो उस गाड़ी में बैठ के जाएंगे जिसके पीछे लिखा होता है जस्ट मैरिड. तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देयर इज लॉट ऑफ स्कोप ऑफ ट्रैवलिंग. ये बहुत अच्छी बात है एंड एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग यू, दैट इज अगेन ए गुड थिंग टू हैव. और आपके जो भी डिजायर है वो सब पूरे होंगे क्योंकि इस समय आपकी सारी उंगलियां जो है वो घी में है. सर का जवाब अब रिया देंगी. आप कढ़ाई में पर कैसा क्यों कहते हैं सब आप, अभी तक समझ में नहीं आप लोग भी अगर आपको लगता है कि सर कढ़ाई मुहावरे का मतलब अभी तक हमें समझ में नहीं आया, प्लीज अगर आपको पता है तो हमें भेज. हमारे फेसबुक पेज में जाइए और अपने सवाल के साथ इस मुहावरे का मतलब भी जरूर बताइए. चलिए अगली राशि है स्कॉर्पियन. स्कॉर्पियन से मुझे कढ़ाई से याद आया, यू नो स्कॉर्पियन में कम से कम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कढ़ाई उसको भी कहते हैं यू नो उधेड़ना और बुनना, सिलाई कढ़ाई. यस. तो इनकी वैसे भी यू नो दे आर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उधेड़ना. ये लोग बुनते कम है उधेड़ते ज्यादा है और वो सब उनके मन की बात है. तो दिस इज अ टाइम यू नीड टू ग्रो अप. अगली बात मैं आपको बता सकता हूँ, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं उसका ध्यान रखिए.
तीसरी बात, फाइनेंशियल क्रंच भी है, उस पर आपको थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी नेटवर्किंग आपके काम आएगी, फोन लगाइए, आपकी बात बन जाएगी। चलिए, आज का पहला सवाल संदीप जैन की तरफ से है। ओके। उनका जन्म स्थान जो है दिल्ली के, वो दिल्ली के रहने वाले हैं, उनका जन्म स्थान भी दिल्ली का है। डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1980 एंड टाइमिंग है 4:55 AM। ओके, दिल्ली। इनका सवाल, हाँ दिल्ली के रहने वाले हैं, और इनका सवाल ये है कि इनके फ्यूचर, इनका ये साल कैसे जाने वाला है। okay. ये अगर बिजनेस, अगर कोई नया कुछ करना चाहते तो क्या ये कर सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो आपको थैंक यू कहना चाहेंगे कि वो आपका शो बहुत ही, आप उनको बहुत ही अच्छा लगता है। सो ही इज ग्लूड टू इट, सॉरी सर, आई गेट ग्लूड टू योर शो। क्या बात। चलिए, तो आप उनको बता दीजिए कि उनका ये साल कैसे जाने वाला है, क्या अच्छा है या बुरा है उसके लिए। आने वाला पल जाने वाला है, क्या बात है। देखिए संदीप जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और यू नो मोटिवेशन इज ऑलवेज गुड, चाहे वो किसी से भी मिले और किसी को भी मिले, दिस ऑलवेज अ गुड फील, यू नो, एंड आई थिंक हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, मैं हमेशा कहता रहता हूँ। देखिए 2015, 16 और 17 कैसे गुजरा ये सिर्फ आपको पता है और मुझे पता है, बिकॉज इट वॉज नॉट ए ग्रेट टाइम, क्योंकि वक्त के साथ जब सितारे बदल जाते हैं, और सितारों के बदलते ही इंसान की सोच बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है, जो इंसान चाहता है वही नहीं होता, और उसकी वजह से इंसान को लगता है कि शायद उसका बैड लक ही खराब है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये वक्त बदल गया है, अभी 37 ईयर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, दिस इज योर 38th ईयर, शनि की महादशा 19 ईयर्स की शुरू हो चुकी है, शनि का नाम आते ही इंसान की कब कभी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये 19 साल, इसके बाद वाले भी 17 साल, ये आने वाले 36 साल एक्चुअली आपकी जिंदगी के बेस्ट साल होने वाले हैं, जिसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि आपका योग कारक मैनेट है, गुरु के साथ 12th हाउस में प्लेस्ड है, पूरी जिंदगी ही आपकी बदल जाएगी। आई थिंक बचपन से आप बहुत एम्बिशियस इंसान रहे, और ये वो लोग हैं जो उनको लगता है कि यू नो आई कैन नॉट टेक ऑर्डर्स, मुझे खुद का बिजनेस ही करना है, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, मुझे वो करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। यू नो अगर आपको याद हो, जब आप छोटी थी, और मैं भी तब छोटा ही था, कि स्टार ट्रैक आता था, वे नो मैन हैज गॉन बिफोर, तो वो जो टैगलाइन है, तो आई थिंक ये संदीप जैन उसी के ब्रांड एम्बेसडर है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यू आर ए गुड प्लानर, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर लाइफ। कौन कहता है कंबकत कि आप 36 साल के हैं, कौन कहता है, क्योंकि ये 26 के ही लगते हैं और आगे 10 साल बाद भी लगेंगे, तो दिस इज समथिंग विच इज सो ब्यूटीफुल, यू नो एज इज जस्ट ए नंबर फॉर यू, और मुझे लगता है कि आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, लेकिन अगर टेंशन की बात आ ही गई है तो एक टेंशन मैं आपको डाल दूंगा। मैं 23rd मार्च 2019 से लेके September 19th 2020 तक, ये आने वाले 18 महीने, 1.5 साल, ये इसमें आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई किसी तरह का लोन मत लीजिए, किसी पे भरोसा मत करिए, तो कोई भी ऐसे सिचुएशन में फंसने की कोशिश मत करिए, क्योंकि राहु आपके चांद के ऊपर आ जाएगा, मिथुन राशि की बात है। हाँ हाँ। और वो आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, तो ये बात अगर आपको अभी से पता है तो उस हिसाब से प्लान कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन वियर एन एमरल्ड, यू कैन वियर अ डायमंड, और नीलम वैसे तो उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन अगर आपने नीलम एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज वो थोड़ा सा डाइसी होता है, अपने पिलो के नीचे 3 दिन रख के देखिए कैसे सपने आ रहे हैं, सुबह याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो एनर्जी कैसी फील कर रहे हैं, कैसे फोन आ रहे हैं, 3 दिन अगर अच्छा हो गया, देन यू कैन वेयर इट ऑन योर राइट हैंड मिडिल फिंगर, आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू, एंड दैट्स नीलम, यू सर नीलम, ब्लू सफायर। तो भूल जाइए उस रात को, उस बात को, उस मुलाकात को, उस जज्बात को, इट इज ए न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ, न्यू महादशा। संदीप जी, उम्मीद करती हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है, और संदीप जी की तरह अगर आपको भी अपने सवाल का जवाब चाहिए तो हमें लिख भेजिए फेसबुक पेज पे, दैट इज किस्मत की बात संदीप कोचर के साथ, अपने समस्या अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ जरूर भेजिएगा, यहाँ बैठे हमारे संदीप जी जो है वो आपके सवाल का जवाब देंगे। क्यों संदीप जी? बिल्कुल, वो कौन सी एक मूवी आई थी, यू नो सम कॉलिंग सम हु, यू नो उसमें भी सेम नाम था, फरहान अख्तर की मूवी थी आई थिंक, कार्तिक कॉलिंग। तो यहाँ पे संदीप कॉलिंग संदीप हो गया है, तो विच इज ग्रेट। तो हमारे ये भी तो एक मूवी है, आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट हम रोज पढ़ के आपको सुना रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कौन सा सीन आपको एनेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरी राशि की तरफ जो है धनुराशि। एकदम लगाइए निशाना और छोड़ दीजिए तीर, क्योंकि लगेगा तीर निशाने पर, और कमान संभाल लीजिए आप, कमर कस लीजिए आप, क्योंकि वक्त आ गया है परफॉर्म करने का, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे प्लैनेट आपके लगन के ऊपर आ गए हैं, और बहुत सालों में कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने सारी कायनात आपके आपका साथ देने की कोशिश करती है। वैसे भी शाहरुख खान ने कहा था, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाती है। सनोरेटा बिल्कुल।
तो ये वक्त वो चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ राइट टाइम टू गेट व्हाट यू वांट। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज अ टाइम कि यहाँ पर आपको बहुत सारे गेन्स होंगे थ्रू योर मैनेजमेंट स्किल्स, थ्रू योर कंसल्टेंसी एडवाइस। जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में है, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी करते हैं, आई थिंक ये बहुत बढ़िया वक्त आ गया है जिसमें आपके करियर का ग्राफ बढ़ने वाला है। कुछ चीजें रुक रुक कर हो सकती हैं, तो हौसला रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि सब्र का फल अब रिया बताएंगे कैसा होता है। मीठा होता है। अच्छा सनी जी, आगे बढ़ने से पहले, आज 11 जनवरी, आज राहुल द्रविड़ का बर्थडे है, आज उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उसको? राहुल भैया को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, एंड आई मस्ट टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, इवन आई वॉज ए क्रिकेटर एंड आई प्लेड विद हिम फॉर 2 ईयर्स। रियली? एक ही क्लब से खेलते थे, BUCC बैंगलोर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब, एंड दैट टाइम यू नो इट वॉज अमेजिंग टाइम ऑफ माई लाइफ, and that was my only dream to play for India, and we were together for a couple of years. Okay. So yeah, I know him personally that way, and he's such an amazing person. Mujhe lagta hai ki 11 number walon mein koi khas baat zarur hoti hai. Ye ek aur ek 11 hi hote hain. That's the way he is. Ab puri team ke saath chalte hain. Ek bhi controversy mein aaj tak nahi phase pura career. Abhi bhi wo coach hain, dekhiye junior team ke. I think he's one of the most decent person I know in my life till now. So salute to him and I wish him a very happy birthday. And Rahul bhai, aapne talent, aapne experience ke saath, ye jo young generation ke saath aap lag gaye hain, dobara inko bada kariye aur कई राहुल द्रविड़ लेकर आइए, ताकि भारत का नाम और रोशन होता रहे। अगली राशि है मकर राशि, 10 के प्रकार। मकर राशि के लिए आज का दिन थालियां बजेंगी आपके लिए, और फूल और मालाओं से लाद दिया जाएगा आपको। अब आप भी सोच रहे हैं कि ऐसा मैंने क्या किया, जिसने भी किया है, क्योंकि कहते हैं कि कर्म करने से ही उसका फल मिलता है। तो अगर आपने बीज बोया था बबूल का, तो फिर कौन सा फल होए, मतलब आम कैसे होए? तो व्हाट यू नो, एक और शेक्सपियर का डायलॉग था, यू रीप व्हाट यू सो, एज यू सो सो शैल यू रीप। हाँ, मैंने उसको हिंदी में बताया एक्चुअली, ये गालिब ने कहा होगा एक्चुअली, बट एनीवेज व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज द राइट टाइम कि आपके कर्म का फल आपको मिलने वाला है। दैट मींस आप अपने कोशिशों को दोबारा सिरे पे लाइए, अपनी नेटवर्किंग से दोबारा बात करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, उसने हमारा फोन नहीं उठाया, मेल का जवाब नहीं दिया, तो आप उसको डिलीट कर देते हैं। तो डोंट डू दैट, ये वक्त आ गया है जिसमें बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से हो सकती हैं। अगली राशि है कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए आज का दिन, मुझे लगता है कि वक्त के साथ चलना सबसे जरूरी है, और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि वक्त आपके साथ चल रहा है। यहां पे 4 ग्रह आकर बार बार चिल्ला कर कह रहे हैं दिस इज टाइम टू गेट लॉट ऑफ गेन्स। तो जो भी आपका टैलेंट है उसको सामने ले आइए। कई बार क्या होता है, यू नो, यू माइट बी हैविंग सम हिडन टैलेंट, जैसे यू नो मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, हो सकता है मैं गाना और अच्छा गा सकूं, तो दिस इज द टाइम, अगर गाना आए ना आए, गाना चाहिए तो कोशिश करते रहने चाहिए। दैट्स व्हाट आई मेंट एक्चुअली। और तीसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यू नीड टू बिकम मोर स्पिरिचुअल। आपका कनेक्ट ऊपर वाले के साथ जुड़ जाइए। कहते हैं मैनेजमेंट में सबसे बड़ी स्टेटमेंट क्या है, डेलीगेशन ऑफ पावर। You know, a good manager is one who let others who do all the job. Delegate power, by, okay. Yes. Or zindagi ki management kehti hai, delegation of power. Or zindagi ki management kehti hai, give your best and leave him the rest. Hamari aakhri rashi hai, main rashi, Pisces. Pisces ke liye zarur parivartan hoga, aap chahein ya na chahein. You know, main to hamesha kehta hun, jo aap chahte hain, wo kabhi na ho. Jo aapke liye acha ho, wahi ho. And only God knows the best. तो थोड़ा सा उस बिलीफ के साथ मुझे लगता है आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात मुझे लग रही है कि यहां पर बिलीफ कमजोर भी हो रहा है, क्योंकि कुछ चीजें अटक के चल रही हैं। जब भी शनि का आगमन 10th हाउस में होता है, तो कुछ चीजें अटक जाती हैं, रुक कर होती हैं, बहुत कंस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। इवन जो लोग बिजनेस में हैं, उनको भी लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, या पेमेंट अटक गई है, ये हो रहा है। तो थोड़ा सा हौसला आपको रखना ही पड़ेगा। एक अच्छी बात मैं आपको बता सकता हूं कि दिस इज अ टाइम व्हेन यू माइट अपग्रेड योर स्किल्स। तो जो लोग अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन को और कंप्लीट करना चाहते हैं, जरूर करिए, वक्त आ चुका है। बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहा है टू गेट मोर एंड मोर नॉलेज। चलिए संदीप जी, थैंक यू सो मच। ये थी आज की बात, कल होगी फिर से आपसे मुलाकात। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मेरी और संदीप जी की तरफ से आपको नमस्कार।